हैं इस कार्ड में दूसरे तीसरे ऑप्शन के ऊपर अपना डाउनलोड एंड डिलीवरी का टैब जो आप देख पा रहे हैं। ये स्टेप का यूज हम करते हैं जब हम किसी का कार्ड अप्रूव हो जाता है या पहले से बना हुआ कार्ड है उसको डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज करके उसका कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये किया, डाउनलोड एंड डिलीवरी पे क्लिक किया, दो ऑप्शन दिखे, डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, डिलीवर ऑल स्टेट आयुष्मान कार्ड, तो हमने डाउनलोड आयुष्मान कार्ड पे क्लिक कर दिया। सबसे मेन चीज होगी यहाँ पे जब स्क्रीन आपकी ओपन होगी तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा अपना, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है आई हैव आधार और बगल में चेक बॉक्स है, तो हम यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, यस आई हैव आधार। अब जिस भी व्यक्ति का हमें कार्ड डाउनलोड करना है उनका आधार नंबर हमको चाहिए होगा। जैसे मैं आपको अभी एक कार्ड डाउनलोड करके दिखाता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑथेंटिकेशन के वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ओटीपी, फिंगर एंड आईरिस एंड फेस, तो हम ओटीपी के थ्रू करेंगे। ध्यान रखिएगा ओटीपी हमेशा उसी नंबर पे जाता है जो आपके आधार पे लिंक हो, अगर उनका नंबर आधार पे लिंक नहीं है तो हम फिंगर, आईरिस या फेस का यूज कर लेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही हम यहाँ पे ओटीपी डालेंगे उनका जो आया हुआ है, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेरीफाई का टैब, वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए इनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, बेनिफिशियरी का नाम एंड सारी डिटेल, और लास्ट में ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड, और उसके नीचे ब्लू कलर से हाईलाइटेड है डाउनलोड, इस पे डाउनलोड पे हम क्लिक कर देंगे। और यहाँ नीचे वो फाइल हमारी पीडीएफ में सेव हो चुकी होगी जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम किसी का भी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम किसी का भी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो चाहे हमने कार्ड अभी बनाया हो या BIS 1.0 में बनाया हो, जो भी अप्रूव्ड कार्ड थे उनको हम यहाँ से डाउनलोड करके बेनिफिशियरी को दे सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें।